महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के बीच दरार बढ़ती हुई नजर आ रही है। शिवसेना ने अपने 55वें स्थापना दिवस पर हिंदुत्व और मराठी अस्मिता की बात की। इस दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पर इशारों में तीखा हमला किया। उद्धव ने कहा कि अगर कोई अकेले लड़ने की बात करेगा तो लोग उसे जूतों से मारेंगे। बताते चलें कि हाल ही में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अगले सभी चुनाव अकेले लड़ने की बात कही थी। कांग्रेस के अपने दम पर चुनाव लड़ने के मुद्दे पर ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में हृदय विदारक स्थिति है, लोगों का रोजगार गया, रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। ऐसे में अगर कोई अकेले लड़ने की बात करेगा तो लोग उसे जूतों से मारेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना स्थापना दिवस पर अपने संबोधन में हिंदुत्व और मराठी अस्मिता को पार्टी की पहली प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा, सत्ता में सहयोगी कांग्रेस और विरोधी दल बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा। उद्धव यह भी कहने से नहीं चूके कि वे सत्ता पर बने रहने के लिए कतई लाचार नहीं है। ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की जमकर सराहना की। इस मौके पर उन्होंने विशेष रूप से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ की। शनिवार को शिवसेना के स्थापना दिवस पर सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री ने शिव सैनिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हिंदुत्व किसी का पेटेंट नहीं है, हिंदुत्व हमारी सांस है। इसलिए शिव सैनिक पहले जय हिंद और उसके बाद जय महाराष्ट्र का नारा लगाते हैं। देवेंद्र फडणवीस का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, महाविकास अघाड़ी बनने के बाद कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ, उन्हें वक्त आने पर राजनीतिक दवा दूंगा। सत्ता न मिलने पर कई लोग छटपट आ रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि एक साल में क्या किया, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वे काम देख लें।